हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ शिवशंकर सिंह, आप लोग को स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल MLM शंकरा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि यूटेक में कैसे बिजनेस को शुरुआत किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ID ग्रीन करने तक की मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, दोस्तों वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या दोस्तों, आपके अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करना है और दोस्तों आपको सर्च करना है यूटेक बिजनेस, दोस्तों YOUTAGBUS। दोस्तों जैसे ही टाइप कर लेंगे तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों डाउनलोड कर लेने के बाद में यहां पे नीचे में आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन दिखेगा, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहां से आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो दोस्तों यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहां से आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस मोबाइल नंबर पे 4 अंकों का OTP आएगा। दोस्तों आपको उस OTP को इंटर OTP में डालना होगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं मेरे फोन में OTP आ चुका है, तो यहां से मैं अपना OTP डाल के और सबमिट पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पे रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे पूछा जा रहा है स्पॉन्सर आईडी, तो दोस्तों आपको स्पॉन्सर आईडी में डालना है 4271548। दोस्तों ये आपको स्पॉन्सर आईडी यहां पे डालना होगा। जैसे डाल लेंगे तो दोस्तों यहां पे नीचे में नेम पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहां पे स्पॉन्सर नेम में सूरज कुमार आ चुका है। अब दोस्तों यहां पे आपको अपना नाम में नेम में अपना नाम डाल लेना है, ईमेल आईडी डालना होगा, एड्रेस में दोस्तों यहां पे आपको सिर्फ अपना विलेज का नाम डालना होगा, अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, एरिया पे क्लिक करके आपके आसपास का जो भी एरिया होगा उसको आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद सिटी स्टेट दोनों आ जाएगा, उसके बाद यहां पे देख सकते हैं छोटा बॉक्स आई एग्री पे क्लिक करना होगा और रजिस्टर पे क्लिक कर लेना होगा। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों यहां पे मैंने सभी चीज फुलफिल कर लिया हूं, बस अब हमें करना है क्या, यहां से सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों यहां से हम सबमिट पे क्लिक कर लेंगे तो दोस्तों यहां पे मेरा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों यहां पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका और आपके मोबाइल पे भी एक टेक्स्ट मैसेज आया होगा जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड मिला होगा। अब दोस्तों यहां पे आईडी को लॉगिन करने के लिए यहां पे मोबाइल नंबर और लॉगिन पासवर्ड डालना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहां पे मोबाइल नंबर डाल लेता हूं। मोबाइल नंबर डाल लेने के बाद में दोस्तों यहां पे आपको नीचे में लॉगिन पासवर्ड भी डालना होता है और आपको साइन इन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों यहां पे मैं साइन इन पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे दोस्तों एक OTP आता है 4 अंक लॉगिन करने के लिए। तो दोस्तों यहां पे मोबाइल जैसे ही OTP आ जाएगा दोस्तों मैं यहां पे OTP कोड पे डाल के यहां से सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहां से आप सबमिट पे क्लिक कर लेंगे तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों यहां पे OTP आ चुका है, अब यहां से सबमिट पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पे मेरा आईडी लॉगिन हो चुका है। अब दोस्तों आईडी को एक्टिवेट करने के लिए नीचे में यहां पे देख सकते हैं दोस्तों शॉपिंग का ऑप्शन बनाया गया है, आपको यहां से शॉपिंग पे क्लिक करना है। जैसे शॉपिंग पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं ईबुक का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ईबुक पे क्लिक करना है। उसके बाद में इंग्लिश ईबुक पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं 5 सेट ऑफ ईबुक आ गया, आपको इस पे टच करना है। जैसे दोस्तों टच करेंगे तो नीचे में देख सकते हैं दोस्तों बाय नाउ करने का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहां से आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पे नीचे में प्लेस ऑर्डर करने का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहां से प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर लेंगे तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं ऊपर में आपको एड्रेस लेके आना होगा, इसके लिए आपको यहां से चेंज एड्रेस पे क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों यहां से आप चेंज एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो नीचे में यहां पे आपको ऐड न्यू एड्रेस करने का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहां से ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पे आपको अपना पूरा एड्रेस डाल लेना होगा। एड्रेस डालने के बाद में आपको करना है क्या, ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे एड्रेस सेव सक्सेसफुली दिखा देगा, तो आपको यहां से बैक आ जाना है। बैक आ जाएंगे तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं आपका एड्रेस दिखेगा और नीचे में देख सकते हैं यहां पे आपको प्लेस ऑर्डर करने का ऑप्शन दिखता है, तो यहां से आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे यूटेक वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो दोस्तों अगर आपके वॉलेट में पैसा है तो वॉलेट से पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको फोन पे गूगल पे पेटीएम के माध्यम से करना है तो दोस्तों आपको करना है क्या, यहां पे UPI का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों यहां से आपको UPI पे क्लिक करना होगा और यहां से आपको पे पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहां से आप पे पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहां पे फोन पे गूगल पे पेटीएम का ऑप्शन आ जाएगा, आप जिसके भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं यहां पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहां पे फोन पे पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे फोन पे पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से आपको भी देखने को मिलेगा। अब सिंपल सा आपको यहां से पे पे क्लिक करना है और आपको दोस्तों अपना जो भी UPI ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है वो आपको डाल देना है। डाल देने के बाद में दोस्तों यहां पे सक्सेसफुली आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है। और दोस्तों आपको पूरे जानकारी के लिए यहां पे मेरा नंबर दिख रहा है, दोस्तों इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं।
किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।